दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। इसी तरह से देखिए शब्दों को कैसे गाया जाता है, ये चीजें आपको इन दिग्गजों से सीखनी होती है। मेहदी हसन साहब की कॉम्पोजिशन है, उनकी गायकी है। रंजिश, इट्स अ क्लोज एंडिंग वर्ड। क्लोज एंडिंग वर्ड होते हैं जैसे निषाद, निषाद, आद, याद, बर्बाद, खाद, ये क्या हो रहा है, आद, ऐसे क्लोज हो रहा है। और एक जैसे पुष्पा है ना, ये आ, आ से हो रहा है, तो ये ओपन एंडिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो क्लोज एंडिंग वर्ड्स जब गाए जाते हैं तो उन्हें गाने का भी तरीका होता है ना। रंजिश ही सही, वहां एक पॉज आता है, ऐसा नहीं कि रंजिश ही सही, रंजिश ही, जिश ही, जिश, श, श पूरा बोलोगे तो थोड़ा भद्दा लगता है। आप भुला दे मुझे को मेरा सही, के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। रंजिश, रंज शब्द से बना है ये। रंज मतलब मन मुटाव हो जाना, मन मैला हो जाना, इलविल हो जाना, ऐसा दुश्मनी हो जाना नहीं। रंजिश और दुश्मनी में फर्क होता है, रंजिश और नफरत में फर्क होता है। नफरत बहुत नेगेटिव हो जाती है, रंजिश तो भाई थोड़े बहुत मन मुटाव अगर हो गए हैं, है ना, उसे रंजिश कहते हैं। एक छोटा सा शेर मैंने कभी कहा था कि अभी तो फकत दिल दुखाया है आपका, फकत यानी सिर्फ, उर्दू में कहते हैं फकत मतलब सिर्फ, ओनली, केवल। अभी तो फकत दिल दुखाया है आपका, रंजिशें होना तो बाकी हैं अभी। कि अभी रंजिशें हुई नहीं, अब होंगी, अभी तो सिर्फ दिल दुखाया है। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए ही सही। इसी तरह से देखिए शब्दों को कैसे गाया जाता है, ये चीजें आपको इन दिग्गजों से सीखनी होती है। मेहदी हसन साहब की कॉम्पोजिशन है, उनकी गायकी है। रंजिश, इट्स अ क्लोज एंडिंग वर्ड। क्लोज एंडिंग वर्ड होते हैं जैसे निषाद, निषाद, आद, याद, बर्बाद, खाद, ये क्या हो रहा है, आद, ऐसे क्लोज हो रहा है। और एक जैसे पुष्पा है ना, ये आ, आ से हो रहा है, तो ये ओपन एंडिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो क्लोज एंडिंग वर्ड्स जब गाए जाते हैं तो उन्हें गाने का भी तरीका होता है ना। रंजिश ही सही, वहां एक पॉज आता है, ऐसा नहीं कि रंजिश ही सही, रंजिश ही, जिश ही, जिश, श, श पूरा बोलोगे तो थोड़ा भद्दा लगता है ना। उस उन शब्दों को खिलाने के लिए क्या करना होता है, शब्द जो क्लोज एंडिंग है वहां चुप हो जाओ। रंजिश ही सही, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने, अब किसी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। जो गायकी में भाव अगर देने की बात होती है तो सुरों से कैसे भाव दिए जाते हैं, भले ही आप उसे अपना दिल तोड़ने के लिए बुला रहे हैं पर पुकार तो रहे हैं, है ना। तो उस पुकारने में एक दर्द भी होगा, तो वो दिखाएंगे कैसे आप। आ फिर से, आ फिर से, आ फिर से, आ फिर से। अब भले क्लासिकल आप लोग नहीं समझते हो लेकिन इन भावों को तो समझोगे। भाव जितना समझता है वो इंसान संगीत समझ सकता है,
भले ही क्लासिकल गा रहा हूं मैं यहाँ, थोड़ा शास्त्रीय है, आकार है और वो सब है, है ना, लेकिन समझा रहा हूं मीनिंग तो मेरे ख्याल से आपको क्लिक कर रही होगी कि भले इसमें मेरे शब्द कम हैं और आकार ज्यादा है लेकिन भाव पूरे हैं, उतने ही हैं। फिर से जो लोग कहते हैं ना यार ये क्लासिकल वाले क्या एक ही शब्द को घुमाते रहते हैं बार बार, है ना, यही इल्जाम हम क्लासिकल वालों पे बहुत होता है कि यार शब्द गाओ ना, जल्दी जल्दी से बोलो ना, पूरा आगे क्या है वो बताओ ना, या क्या कर रहे हो। तो वो आ हम ये करते हैं कि हम शब्दों को खिलाते हैं, कहते हैं आप किसी बच्चे को खिला रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हो ना, प्यार करते हो उसको, हम उसी तरह से शब्दों को खिलाते हैं, है ना, इनके साथ खेलते हैं, इनका भाव जो है वो स्पष्ट करते हैं, साफ करते हैं, जो लाइट म्यूजिक में नहीं होता है, ये क्लासिकल म्यूजिक में होता है, शास्त्रीय संगीत में, कि हम शब्द खिलाते हैं। अब आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, अहमद फराज ने अगर ये मिसरा पढ़ा है, ये लाइन कही है, तो उसमें क्या दर्द होगा, क्या भाव होगा, ये तो फराज जानते हैं या फिर उसे गाने वाले। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने, है ना। अब ये छोड़ की कॉम्पोजिशन ऐसी ही क्यों थी, उसमें एक दर्द है, जब आप किसी को कह रहे हैं कि आ तू लौट तो आ, भले ही छोड़ के जाने के लिए आ, लेकिन आ तो सही, है ना, तो उसमें एक रिग्रेट भी आपको दिखेगा, आप चाहते थोड़ी होगी वो छोड़ के जाए आपको, लेकिन अब इसी कदर आ रहा है तो चल इसी सही, यही सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। अब ये थोड़ी ज्यादा उर्दू हो गई मेरे ख्याल से, पिंदारे मोहब्बत ये नहीं समझ आया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए अपनी ही भाषा है, अंग्रेजी हम जब समझ सकते हैं, अगर कोई कहता है कि भैया बड़ा ही एक्स्ट्रावेगेंजा हो रहा है, या कोई कहता है कि बड़ा ही नॉनशलांट सा आपने काम कर दिया है, अगर उसको हम समझ सकते हैं, तो जो हमारी अपनी भाषा है, अपने देश में पैदा हुई है, उस भाषा को समझने से कैसा बैर, कैसा भय। तो पिंदार कहते हैं रिस्पेक्ट को, है ना, पिंदार ये एक लफ्ज़ है उर्दू का, जिसका कहते जिस मतलब हो जाएगा रिस्पेक्ट कह लीजिए, कि हमारी भी कुछ वैल्यू करिए, कद्र कह लीजिए, है ना। तो पिंदार मोहब्बत यानी मोहब्बत की ही तू इज्जत रख ले, मेरी ना सही तो मोहब्बत, इस एहसास की, इस भाव की, इस रस की, एटलीस्ट इसी की इज्जत रख ले। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो। अब यहां कुछ तो को मैं 4-5 बार दिखाऊंगा तो उसका एक अर्थ होगा कि कुछ तो रख ले, कुछ तो, कुछ तो, है ना, कुछ तो, कुछ तो मेरे पिंदारे, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश ही सही, कि कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझे मनाने के लिए आ, यही क्यों कि हर बार मैं ही मनाऊं, है ना। एक शेर कहा था कभी मैंने कि रूठें वो हर बार और मनाऊं मैं, रूठें वो हर बार और मनाऊं मैं, ये तो बस आदत की बात होती है साहब, सिर्फ आदत की बात है, है ना, क्योंकि आपकी आदत है, आप आदतन मजबूर हैं कि आप उन्हें मनाए बगैर मानेंगे नहीं, है ना। तो इसी का थोड़ा सा ऑपोजिट लिखा है फराज ने कि भाई ये क्या बात हुई, कुछ तो मेरे भी पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे मोहब्बत की भी तो रिस्पेक्ट रख यार, तू भी तो कभी मनाने आ, हर बार क्या है मैं ही मनाऊँ तुझे, ऐसा थोड़ी होता है। फैसला तुमको भूल जाने का एक नया ख्वाब है दीवाने का, ये मेहदी हसन साहब की गाई हुई है, फरश शहजाद की लिखी है, कि फैसला तुमको भूल जाने का एक नया ख्वाब है दीवाने का, और उम्र बीत गई मनाते मनाते अब इरादा है रूठ जाने का। अब
दे कि रागों का कैसे चयन होता है। मैं ऐसा प्राणी हूँ, मैं गाता भी बिना समझाए नहीं हूँ, मेरे से बिना समझाए गाया ही नहीं जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं समझाऊंगा नहीं सामने वाले को, समझ नहीं आएगा, वो मजा नहीं ले पाएगा, फिर मैं गा क्यों रहा हूँ, बुद्ध के सामने गाने से तो क्या मतलब है ना। तो ऐसे गाओ कि सामने वाले को समझ आ जाए, तो थोड़ा बहुत समझाना अगर पड़ जाए बीच में तो क्या बुरा, ठीक है। तो वरना तो टेप रिकॉर्ड है, चला लो, टेप रिकॉर्डर है भाई, रिकॉर्डेड सॉन्ग्स होते हैं और एक लाइव होता है। अगर मैं लाइव कर रहा हूँ तो यहाँ मैं वही चीज़ें आपको सुना रहा हूँ। यह गज़ल मेरे ख्याल से आपने पहले हज़ारों बार सुनी होगी है ना, और इतनों ने गा दी है, मैं कौन सा नया गा रहा हूँ, इतनों ने गा दी है, पर जैसा मैंने समझा के गाई है इतना तो मेरा दावा है कि ऐसे तो नहीं सुनी होगी आपने। तो देखिए रागों का चलन और रागों का चयन कैसे किया जाता है। आ गई याद शाम ढलते ही, आ गई याद शाम ढलते ही, है ना। ये गुलाम अली जी की गाई हुई है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं गुलाम अली की मैं कोई गजल गाऊं, और यही मैंने क्यों चुनी, क्योंकि रंजिश ही सही में भी राग यमन का चयन हुआ है ना। प्रॉपर यमन नहीं है, पर हाँ यमन का थोड़ा चलन लिया गया, और इसमें भी यमन का चलन लिया गया। क्यों? क्योंकि दोनों में दुख की बात हो रही है। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, राग यमन वियोग और संयोग की राग है।